1,000 करोड़ का दांव खेलने जा रहे अजय देवगन, एक नहीं कर डाली पूरी 10 फिल्में साइन। बॉलीवुड में बतौर एक्शन हीरो उतरे अजय देवगन फिल्म इंडस्ट्री के सिंघम कहलाते हैं। आज वह कॉमेडी, एक्शन और थ्रिलर फिल्मों में कमाल की कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अजय को पिछली बार फिल्म रेड में देखा गया था। बता दें कि आने वाले समय में अजय देवगन के पास 10 फिल्मों का पिटारा है, जिनसे वे अपने फैंस का भरपूर मनोरंजन करते देखेंगे। आइए एक नजर डालते हैं इन फिल्मों पर। सबसे पहले बात करेंगे अजय की आने वाली फिल्म टोटल धमाल की, जिसे डायरेक्टर इंदर कुमार ने निर्देशित किया है। फिल्म में एक बार फिर अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी नजर आएगी। इनके अलावा फिल्म में अरशद वारसी और जावेद जाफरे भी होंगे। फिल्म दे दे प्यार दे एक रोमांटिक और कॉमेडी फिल्म है, जो लव रंजन के बैनर तले बनी रही है। फिल्म को आकिब अली डायरेक्ट कर रहे हैं। अजय के साथ साथ फिल्म में तबू, जिमी शेरगिल और रकुलप्रीत सिंह नजर आएंगी। अजय की अगली फिल्म होगी तानाजी द अनसंग वॉरियर, जो कि एक मराठा वॉरियर तानाजी की संघर्ष की कहानी पर आधारित होगी। फिल्म में एक बार फिर अजय और सैफ अली खान की जोड़ी नजर आएगी। इससे पहले यह जोड़ी सुपरहिट फिल्म ओमकारा में देखी गई थी। फिल्म में काजोल भी एक छोटे से रोल में होंगी। महागुरु चाणक्य का रोल भी अजय देवगन अपनी अगली फिल्म में करते नजर आएंगे। फिल्म का नाम चाणक्य ही है। फिल्म को स्पेशल 26 जैसी फिल्म बनाने वाले निर्देशक नीरज पांडे डायरेक्ट करेंगे। प्यार का पंचनामा और सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर लव रंजन अजय को लेकर अपनी अगली फिल्म की तैयारियों में लगे हुए हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही लव ने इस बात का ऐलान सोशल मीडिया पर किया था। एक्शन हीरो अजय देवगन 90 के दशक से अब तक बॉलीवुड में छाए हुए हैं और उनकी इन आने वाली 10 फिल्मों में सैयद अब्दुल रहीम की बायोपिक शामिल होगी। सैयद अब्दुल रहीम एक फुटबॉल कोच थे। इस फिल्म के लिए अजय को प्रैक्टिस करने के लिए हकीकत में फुटबॉल के मैदान में उतरना पड़ेगा। साल 2012 में सुपरहिट रही फिल्म सन ऑफ सरदार में अजय देवगन ने कमाल कर दिया था। फिल्म में उनके साथ सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल में थी। लेकिन सन ऑफ सरदार 2 अजय का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें वह सिख योद्धाओं के द्वारा सारागढ़ी में लड़ी गई लड़ाई से दर्शकों को रूबरू करवाएंगे। वहीं इस महीने की 28 तारीख को रिलीज होने जा रही फिल्म सिम्बा में भी अजय देवगन बड़े रोल में नजर आएंगे। यह फिल्म सिंघम की आगे की कहानी को बताएगी, जिसमें रणवीर सिंह मुख्य किरदार में हैं। साथ ही सारा अली खान डेब्यू फिल्म केदारनाथ के बाद अपनी दूसरी फिल्म में नजर आएंगी। एक्शन फिल्मों के सरताज कहे जाने वाले डायरेक्टर रोहित शेट्टी सिंघम 3 भी बनाने जा रहे हैं। इस बार भी वे अजय देवगन को कास्ट करेंगे, लेकिन अभी तक रोहित ने फिल्म का ऐलान नहीं किया है। आखिर में आपको बता दें कि फिल्म गोलमाल सीरीज की 5वीं किस्त भी बनने के लिए तैयार हो रही है। पिछली फिल्म गोलमाल अगेन में इस बात का ऐलान एक आने में हो गया था। कुल मिलाकर इन 10 फिल्मों का बजट 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बैठ जाएगा, जो कि अजय के लिए इन फिल्मों को हिट करवाने की बड़ी चुनौती जैसा होगा।